नमस्कार दोस्तों, नेपाल वर्सेस सिंगापुर का आज मैच था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप एशियन क्वालिफायर का पहला मुकाबला था नेपाल का, जो कि हो रहा था त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर, और इस मुकाबले को नेपाल ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जीता। दोस्तों टॉस जीतकर पहले सिंगापुर ने बैटिंग करने का फैसला किया और स्टार्ट काफी अच्छी की। एक ही विकेट चटका था और काफी सारे रन बोर्ड पर आ चुके थे, लेकिन उसके बाद नेपाल के गेंदबाजों ने वापसी की और विकेट चटकाना शुरू किया। पहला विकेट लिया करण केशी ने, उन्होंने 4 ओवर में 36 रन दिए और 2 विकेट चटकाए। सहसा सोमपाल कामी 4 ओवर कराए, उनकी इकोनॉमी अच्छी थी लेकिन विकेट नहीं चटका पाए और 21 रन दिए। अविनाश बोरा ने 4 ओवर कराए, 3 विकेट चटकाए, हालांकि वो काफी महंगे साबित हुए, उन्होंने 43 रन दिए। वहीं संदीप लामिचानी स्टार गेंदबाज, उन्होंने 4 ओवरों में 2 विकेट चटकाए और 18 रन दिए मात्र, और सबसे किफायती बॉलर के रूप में सामने आए। साथ साथ गुलशन झा ने भी 4 ओवर कराकर 2 विकेट चटकाए और उनका भी एवरेज अच्छा रहा। वहीं सिंगापुर से रोहन रंगराजन ने सबसे ज्यादा रन बनाए, वो भी 46, और बाकी सभी का योगदान रहा। और 20 ओवरों में सिंगापुर ने 145 रन बनाए 9 विकेट खोकर, तो नेपाल को टारगेट मिला 147 का। बैटिंग करने उतरे नेपाल के ओपनर्स कुशल बुरतेल ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, उन्होंने 48 गेंदों में 74 रन बनाए और अच्छी पारी खेली। फिर आसिफ शेख ने भी 27 रन बनाए 26 बॉलों में, और दोनों ही ओपनर ने अच्छी पारी खेली। अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी नेपाल को और जीत के करीब था नेपाल। फिर कप्तान रोहित पौडेल ने भी पारी को संभाला और 24 गेंदों में 35 रन बनाए। फिर कुशल मल्ला भी आए और उन्होंने 1 बॉल पर 6 रन बनाए, छक्का जड़ा, और उसी के साथ मैच हो गया समाप्त। 16.3 ओवरों में नेपाल ने 147 रन बना लिए मात्र 2 विकेट खोकर और इस मुकाबले को जीत लिया, बखूबी जीता। तो नेपाल के बल्लेबाजों की लैब और ओपनर की जो शुरुआत रही वो काफी अच्छी रही, जिसकी हमको जरूरत थी, और ओपनर्स ने भी इस बार बहुत कमाल का प्रदर्शन किया और इस जीत से सभी लोग खुश होंगे। अगर आप भी खुश हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नेपाल की क्रिकेट टीम के लिए एक कमेंट जरूर लिखिएगा और कांग्रेचुलेट जरूर कीजिएगा अपने प्यारे से कमेंट के साथ, जिससे टीम का हौसला बना रहे और वर्ल्ड कप क्वालिफाई होकर एक नया इतिहास रचा जाए। तो आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए NI News with Shivam।